ग्रीन पीस में तो मैंने काफी सारे कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन यू नो धामरा कैंपेन का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। पहली बार एक ऐसा कॉरपोरेट जिसको सारी दुनिया मानती है, हम इंडियन सिटीजन मानते हैं, ग्रीन पीस ने एक्चुअली उसके खिलाफ कैंपेन शुरू किया। और ये कैंपेन में काफी सारे हमें कठिनाइयां आई, इसमें एक्चुअल पता चला कि कैंपेन होता क्या है। हर बार ये होता था कि ग्रीन पीस का पर्सपेक्टिव मीडिया के सामने रखा जाता था, बट ये बार सिचुएशन अलग था क्योंकि हमारा ऑपोजिशन ही इतना स्ट्रांग था कि ग्रीन पीस की जो आवाज थी उसे दबाया गया। और आई थिंक एक एक्चुअल ग्रीन पीस का स्पिरिट, कैंपेनिंग स्पिरिट दिखाई दिया पूरे एक्शन में, कैंपेन्स में, बिकॉज कई बार ऐसा सिचुएशन हुआ कि ग्रीन पीस को गलत बताया गया, ग्रीन पीस के बारे में कई सारी नेगेटिव बातें की गई, बट फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमें पता था कि यू नो इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, टाटा बहुत बड़ी कंपनी, बट फिर भी हमने अपना कैंपेन जारी रखा। स्पेशली एक एक्सपीरियंस जो बॉम्बे हाउस का था वो काफी यू नो काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज उसमें एक एक्चुअल पैशन लोगों का दिखाई दिया, जहाँ पे लोगों ने लाते खाई, घुसे खाए, पुलिस की मार खाई, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि ओलिवर रीड टर्टल्स को बचाना है। तो इस टाइप का एक स्पिरिट जो है वो एक काफी मोटिवेटिंग फैक्टर था बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यू नो काफी कम लोग होंगे दुनिया में जो एक टर्टल स्पीशी के बारे में सोचते होंगे, और इस हद तक जाना उसे बचाने के लिए आई थिंक इसके लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट की जरूरत है और बहुत ज्यादा पैशन की जरूरत है, जो ग्रीन पीस के कैंपेनर्स में, लोगों में दिखाई दी। तो इट वॉज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी अ पार्ट ऑफ सच कैंपेन्स। काशीपुर कैंपेन किया, बांदवल किया, बट आई थिंक धामरा इज समथिंग विच रियली टेस्टेड, उसमें एक्चुअल हमारी स्ट्रेंथ की यू नो टेस्ट की गई। सो इट वॉज रियली अ ग्रेट थिंग टू डू। What has been your experience? Just फील्ड से आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोगों का फीडबैक कैसा है, क्या कहते हैं लोग इस इशू के बारे में? आई थिंक यू नो हाँ ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमेशा हमें लोगों ने सराहा है, हमारी जो एक्टिविटीज हमने की है उसके बारे में लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बट ये एक ऐसा कैंपेन है जहाँ पे हमको एक्चुअली ऑपोजिशन फेस करना पड़ा, क्योंकि काफी सारे लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई टाटा के खिलाफ आप क्यों कैंपेन कर रहे हो।